जनवरी में जो पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़े थे समझे थे, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ज्ञान जानकारी करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कल के वीडियो में बता रहे थे विद्युत का स्विच आवर और विद्युत के स्विच आवर, ठीक है, ये सब के बारे में कुछ हम लोग को मेन मेन पॉइंट लिखना है, उसके बाद हम लोग समझ में आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है विद्युत धारा के स्विच आवर, स्विच आवर क्या होता है कैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि वे पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, अपने से होकर के विद्युत धारा को क्या करते हैं प्रवाहित होने देते हैं, से क्या बोला जाता है इससे विद्युत के सुचालक या अच्छा चालक कहा जाता है। ठीक है, या अच्छा चालक बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपको बता दें तांबा तांबा एल्यूमिनियम तांबा लोहा, इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो तुरंत करंट प्रवेश कर जाएगा यानी धारा जो प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके अंतर्गत आएंगे विद्युत के सुचालक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे धातु हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम लिखने की क्या है विद्युत की कुचालक, विद्युत के कुचालक क्या होता है इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कि वे पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, उसे विद्युत के दिन चालक या सुचालक कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे विद्युत का दिन चालक या उसे विद्युत का सुचालक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको बता दें जैसे जो है रबर, इसको जो है कोई तार कटा हुआ है उसको जो है उस पर रबर बांध दीजिए, क्या उससे धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसके बाद इसमें क्या है प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो भी आपके घर में जो वायर होते हैं यानी तार होते हैं उसमें जो होता है प्लास्टिक का परत चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है क्या होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, जब विद्युत का सुचालक होगा इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो रबर हो गया, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा प्लास्टिक, उसके बाद लकड़ी, लकड़ी क्या है विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान चुके और समझ चुके, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे देखिए लिखे विद्युत लेपन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे तांबे पर अगर इसका परत सोना का परत चढ़ रहा है तो इसके जैसा हो जाए तो सोना जैसे दिखने लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत लेपन के बारे में हम जानेंगे, जैसे क्या हो जाएगा कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपको बता दें कि जैसे तांबा हो उसको जो है उसका चांदी कलर पर चाह रहे हैं, इसके जैसा चांदी की जैसा ही होने लगेगा। इस प्रकार विद्युत लेपन भी क्या होता है अवांछित धातु की निक्षेप उसको क्या किया जाता है प्रक्रिया को उसके क्या बोला जाता है विद्युत लेपन बोला जाता है। आसुत जल जो है सबसे ज्यादा इसमें बार बार पूछा जाता है आसुत जल, तो आसुत जल के बारे में हम लोग जानेंगे कि आसुत जल क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि जल को खोलाते हुए केतली के टोटी से निकले भाप को एकत्र करने से वह पुनः जल बन जाता है। से क्या बोला जाता है तो उसे आसुत जल बोला जाता है। इसमें जो होगा ये विद्युत का क्या होता है विद्युत का ये कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत
कैरियर क्या होते हैं, उसको चालक होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन विद्युत का क्या है सुचालक है, यानी जो है धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है, यानी या कौन प्रवाहित हो सकता है, ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं और वो चालक है, ठीक है, समझ रहे आपको। तो ये जो होता है आंसू की जब इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रवाहित होता है, ठीक है। और आप लोग को बताते हैं जैसे मान लीजिए कि जब जल से आप लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, जल हुआ जैसे द्रव के अंतर्गत बहुत सारी चीज आ जाएंगी, तो द्रव के अंतर्गत जितने भी चीज आते हैं वे सब चीज क्या होता है अलग अलग की तरह, जो कोई भी होता है विद्युत का अधिक सुचालक होता है, कोई पदार्थ होता है विद्युत का अधिक कम चालक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जल, आपको बता दें कि जल जल जो है इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो तुरंत इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसी के अपेक्षा जल में ही जल में थोड़ा लवण लवण यानी नमक मिलाते तब जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इसमें धारा जो अधिक प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हो गया दूध शहर, ये भी सब क्या है, ये भी सब द्रव के अंतर्गत आते हैं, ये सब के अंतर्गत जो है क्या होते हैं विद्युत का सुचालक है, लेकिन क्या है उसमें जो है कम धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसमें कुछ विशेष पॉइंट हम लोग जान चुके और समझ चुके, तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे जो है और हम लोग जाने की और समझेंगे, ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में इसके आगे और हम लोग जानकारी करेंगे और